सिकंदराबाद से लखनऊ आ रही एक बस की मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रॉली से भिड़ंत होने से 15 लोगों की दर्दनाक हुई मौत, करीब 40 लोग हुए घायल। एडीएम फाइनेंस ने कहा जनपद के 2 व्यक्ति हुए हैं घायल। सीएमओ को दिया गया है निर्देश कि दोनों घायलों के संपर्क में रहें। गोरखपुर पहुंचते ही उनको एम्बुलेंस द्वारा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कराए एडमिट। वनटांगिया की उम्मीदों के दीपक में भरोसे की बाती को प्रज्वलित करने 24 अक्टूबर को आएंगे सीएम योगी। 2009 से ही वनवासियों के बीच दीपावली मनाते हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सिलसिला है जारी। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 37 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व 43 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। जनपद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव निर्वाचन नामावली के संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम के वर्तमान पार्षद एवं संभावित पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई। संपन्न ने कहा सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मतदाता बनाने में करें सहयोग। बाजारों में धनतेरस पर खरीदारी करने वालों की खूब रही भीड़। एसपी सिटी ने कहा धनतेरस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए सादे वस्त्रों में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पुख्ता इंतजाम। एवं धनवंतरी पर्व समारोह का गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ समापन। बीएचयू के प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी ने कहा मरीजों की चिकित्सा में कोई भेद नहीं करता है आयुर्वेद। आरोग्यता के देवता है धनवंतरी। व्याधि वेदना और मृत्यु के भय को दूर करना है आयुर्वेद का लक्ष्य। धनतेरस पर्व पर सोने व चांदी की दुकानों पर नागरिकों की खरीदारी के लिए लगी रही भीड़। लोगों को सोने व चांदी की भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा खूब आ रहा है पसंद। आवश्यकता अनुसार लोग कर रहे हैं आभूषणों की खरीदारी। भारतीय जनता पार्टी महानगर के विभिन्न विभागों एवं प्रकोष्ठों की बैठक हुई संपन्न। मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा गोरखपुर अयोध्या स्नातक चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव में अधिक से अधिक नए मतदाता बनाने का है लक्ष्य। दिवाली को देखते हुए भारत में बनी झालर लाइटों की जनपद में खूब हो रही है बिक्री। पानी वाला दिया लाइट बना लोगों में आकर्षण का केंद्र। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। जनपद में दिवाली पर्व को देखते हुए बाजारों में खूब बिक रही है भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा। लोग जमकर कर रहे हैं मिट्टी वाले मूर्तियों की खरीदारी। और जनपद में दिवाली पर्व पर कचहरी क्लब मैदान सहित 400 स्थानों पर लगाई गई है अस्थायी पटाखों की दुकानें। पुलिस प्रशासन द्वारा अस्थायी दुकानों के लाइसेंस और सुरक्षा मानक को किया गया चेक। पटाखा बेचने वाले दुकानदारों ने कहा छुरछुरी, अनार बम, रॉकेट, मुर्गा छाप, चक्री, चटाई बम, सुतली बम की खूब हो रही है बिक्री।